कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री सिद्धांत गोस्वामी महाराज जी के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णम विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी। 6 गुण की जरूरत है। कितना गुण की जरूरत है? आज मैं बोलूंगा, कल आपसे सुनूंगा, ठीक है? भक्ति के लिए क्या 6 चीज चाहिए, इसलिए श्री रूप गोस्वामी कहते हैं, बोले उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात सतोवृत्ति षडभीर भक्ति प्रसिद्धति। कहते जो 6 चीज है ये भक्ति को ताकत देने वाले, भक्ति को बढ़ाने वाले। पहला नंबर किया है बोले उत्साहात, हृदय में जरूर उत्साह रहनी चाहिए भजन के लिए। लेकिन कभी कभी होता है तो संसार के लिए तो बड़ा उत्साह रहता है, लेकिन जब भगवान की भक्ति की बात आती ना, हैं, इधर उधर की बात हो देखना, एकदम शरीर में जान आ जाती है। अगर बोले भगवान की भजन करो, बोले नींद आ रही है, तकिया ला, नींद आ रही है, हैं, बोले नहीं, भगवान की भक्ति करने के लिए हृदय में बड़ी उत्साह रहनी चाहिए। दूसरा जो लक्षण है बोले निश्चयात, निश्चयात मतलब क्या, एक दिन जरूर हमें भगवान मिलेंगे ही, हैं, जरूर हमें। पहले पहले जिन जिन ने प्रभु की भक्ति की, जैसे हमारे श्री ध्रुव महाराज 6 महीना में भगवान को प्राप्त कर लिया, प्रहलाद महाराज ने 5 साल उम्र से खंभे से ही ठाकुर जी को प्रकट कर दिए, अम्बरीश महाराज ने भगवत प्राप्त किया रहनी चाहिए। बोले तत्त कर्म प्रवर्तनात्, तत्त कर्म प्रवर्तनात् मतलब जो काम करने से हमारी भक्ति बढ़ेगी वही काम को हमें करनी चाहिए। ऐसे कोई काम नहीं करनी चाहिए जिसमें हमारी भक्ति घटेगी, हैं, ऐसे ही काम करो जैसे भक्ति बढ़ेगी, ऐसे कोई काम मत करो जिसको द्वारा भक्ति हमारी घटने वाले हैं। इसलिए भक्ति की अनुकूल वस्तु को स्वीकार करनी चाहिए, भक्ति की प्रतिकूल वस्तु का हमें त्याग देनी चाहिए। बोले संगत त्यागात, बोले संगत त्यागात मतलब क्या है, बोले गलत व्यक्ति को पास में मत बैठा कर, ऐसे व्यक्ति को पास में बैठो जिनको पास में बैठ हरी चर्चा होगी, ठाकुर जी की कथा हो, ऐसे व्यक्ति को पास में मत बैठा करो जिनको पास में बैठने पर चुगली निंदा उल्टी पुल्टी बात हो, ऐसे व्यक्ति को पास में नहीं बैठनी चाहिए, हाँ। बोले सत्वृत्ति, सत्वृत्ति मतलब होता है पहले करते हुए भगवत प्राप्ति की, ऐसे ऐसे संतों को हमें अनुसरण करनी चाहिए, उनको राह पर हमें चलनी चाहिए। कभी जो 6 चीज है, कभी ये भक्ति को आगे बढ़ाने वाले ये 6 चीज है। कभी जो 6 चीज है मतलब किसकी अंदर में दिखाई पड़ती है, कहते श्री रामायण में आती है, जो सबरी का नाम सुने हो, जिसने ठाकुर जी जिनका इनकी जीवन को देखो ना, इनकी जीवन में ये सारी चीजें आती हैं। आज हम उनकी जीवन को ऊपर में चर्चा करेंगे। कभी जो सबरी है, ये सबरी पहले ना ये कोई रानी थी, क्या थी अच्छे तरह से सुनो, कल मैं पूछूंगा सबको, हैं, हमारे कुल की बदनामी है, हमारी कुल की ये बदनामी, क्या संतों के बीच में बैठकर नास्ती कीर्तन कथा सुनती रहती हो, अपना कुल का भी तो कोई मर्यादा है। इसलिए मीरा ने जब भजन की, आपको पता होगा वो सब पति सब उसका विरोध हो गए, लेकिन मीरा ने प्रभु की भजन नहीं छोड़ी, ठाकुर जी की भक्ति नहीं छोड़ी। इसलिए उसी तरह ये जो सबरी पहले ये उच्च घर में ये राजरानी थी, लेकिन जब भगवान की भक्ति करती थी सब उसको विरोध करते थे,
इसको विरोध करते थे, कहीं सत्संग में जाए तो रोक टोक, अरे ये कहा संतों को साथ में जा रहे हो कथा सुनने के लिए, रानी तू हो भजन करे तो ये क्या चीज है, गले में कंठी तिलक लगाए तो अरे तू रानी हो, ये सब काम क्या कर रहे हो, तिलक कंठी माला ये सब क्या करती हो हैं। इसलिए उन्होंने ठाकुर जी से प्रार्थना किया, ठाकुर जी अगली जीवन में जैसे ये रानी होकर मेरा जन्म नहीं हो, ऐसे घर में मेरी जन्म हो जिस घर में जन्म लेकर के मैं गले में तुलसी कंठी तिलक भगवान की नाम को मैं जप कर सकूं, ऐसे घर में मेरे को जन्म दो, ऐसे घर में हमें जन्म होनी चाहिए। देखो हम सबके सब क्या चाहते, राजा घर में रानी बनकर के जन्म हो, राजकुमारी बनकर के जन्म हो, लेकिन सबरी क्या चाह रही है, बोले नहीं ऐसे घर की जरूरत नहीं जिस घर में जन्म लेने पर प्रभु की भजन नहीं कर सके, क्योंकि ये जीवन हमें बड़े भाग्य से मिला है। 84,00,000 भ्रम के ये नरतन देई, कहते 84,00,000 जन्म के बाद में ये मानव शरीर हमें प्राप्त होता है, कहते साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, कहते इसी जीवन में ही प्रभु की भक्ति करते हुए हम संसार से पार हो सकते हैं। लेकिन अगर जीवन मिला ठाकुर दिए, लेकिन ये जीवन पाकर के प्रभु की भजन ही नहीं हुआ, कहते ऐसे जीवन पाकर कोई लाभ नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रार्थना की। इसलिए दूसरी जीवन में जन्म हुई सबरी है, बिलिनी घर में उसने जन्म हुई, जब जन्म हुई तब धीरे धीरे बड़ी हुई, शादी के लायक हो गई। एक दिन देखा उसको घर में कुछ बकरी बंधे हुए, बोले पिताजी ये बकरी क्यों बंधे हुए, बोले बेटी तेरी शादी होगी ना, उसमें जो बारात में आएंगे उनको तो भोज खिलाना पड़ेगा, इसलिए ये बकरियों को काट करके उनको भोज खिलाएंगे। बोले क्या, हम कहते शुभ विवाह है, अरे मेरे शादी के लिए ये बकरी को बलि देना पड़ेगा, ये ऐसे शादी है, इतने जीव हिंसा हैं, बड़ी दुखी हो गई। बोले ऐसे शादी की जरूरत नहीं, जिस शादी में इतने सारे बकरियों को बलिदान दिया जाए, इतने जीव हिंसा हो, ऐसे शादी की कोई जरूरत नहीं। उसने रातारात उठ कर ना भाग गई, घर छोड़कर भाग गई, चली गई घोर जंगल में। बोले ये जीवन ठाकुर ने दिया भजन के लिए, ये जीवन में प्रभु की भजन करेंगे। जब चली गई अभी परिवार वाले ढूंढे खूब कहाँ गई, लेकिन वो तो घर घना घोर जंगल में चली गई, अंदर में ढूंढते ढूंढते मिला ही नहीं। अभी भगवान की भक्ति करनी चाहिए, अभी भक्ति के लिए किसी गुरु की जरूरत है, हैं? गुरु के बगैर तो ज्ञान नहीं होता। अभी ढूंढे गुरु, उनने जब भ्रमण करते करते देखा वहां पर मातंग ऋषि के आश्रम है, हैं? मातंग ऋषि अपना शिष्यों को साथ में रहते हैं, और उन्होंने देखा, उनने मन मन में ये मातंग ऋषि को अपना गुरु मान लिया, ये मेरे गुरुदेव है। अभी गुरु जी की कुछ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि सेवा के बगैर मेवा मिलती नहीं। बोले गुरु जी को सेवा क्या करे हैं? उसने क्या कि जंगल में दिन भर घूम घूम करके जो सूखी लकड़ी को इकट्ठी करती थी, और रात ठाकुर जी को भोग लगेगी, गुरु जी प्रसाद पाएंगे, और क्या करती थी, आश्रम का चारों तरफ में झाड़ू लगा देती थी रात में, और क्या करती थी, वो रोज स्नान करने के लिए पंपा सरोवर में जाते थे, रास्ता को झाड़ू लगाकर साफ कर लेती थी, पैर में कोई कंकड़ कोई कांटा पैर में चुभ नहीं जाए, एकदम साफ कर देती थी। अभी सवेरे सवेरे जब गुरुजी उठे, कुछ दिन देखा, पहले ये ब्रह्मचारी को पहले बोलना पड़ता था, भैया सूखी लकड़ी लाओ, आश्रम में झाड़ू लगाओ, लेकिन अभी तो सवेरे उठते ही पूरा साफ सुथरा दिखती है, ये सब सेवा विवाह कौन करते हैं, है कौन करता है। एक दिन मातंग ऋषि ने छुप करके देखे ये काम को कौन कर रहे हैं, उन्हें छुप करके देखे, वो जो सबरी है ना, ये काम को ये सबरी कर रही है, हैं, ये सबरी करती हैं। तो गुरुजी ने उसको बुला, बोले बेटी इधर आ, बोले ये सब काम क्यों करती हो, बोले गुरुजी आपको मैं मन मन में अपना गुरुजी मान लिया, अभी गुरुजी का तो कुछ सेवा करनी चाहिए है। हम लोग कहते ना, अरे हमें सेवा बताओ, क्या सेवा करे हैं, कहते तीन तरह का सेवक है, कितने तरह का है, हाँ तीन तरह का सेवक। पहला नंबर जो सेवक है श्रेष्ठ, बिना बोले बोलने से पहले जो कर ले उसको श्रेष्ठ सेवक कहते हैं,
और जो मध्यम जो सेवक है, बोलने पर जो आदर पूर्वक जो करे उसको मध्यम सेवक कहते हैं, और जो अधम सेवक है बोलने पर भी गुरुदेव उसमें तरह तरह का तर्क वितर्क करे हैं, बोले गुरु जी ऐसे करेंगे तो, गुरु जी बोले भैया ये व्यक्ति को बुला करके ले आ, बोले गुरु जी वहां जाए अगर मिले नहीं तो फिर क्या होगा, वापस आना पड़ेगा हैं। एक समय गुरु जी चला सो रहे थे, ऐसे लगा गुरु जी को जैसे बारिश ही हो रही है, बोले बेटा देख कर क्या हो तो बारिश ही हो रही कि नहीं, बोले गुरुदेव बारिश ही हो रही है, बोले तू तो गया नहीं तेरे को पता कहीं चला, बोले बाहर से एक बिल्ली आए ना वो भीगा हुआ देखा। इसलिए कहते हैं जो सेवक है, कहते वो तो बिना बोले हैं, बोलने का जरूरत नहीं, गुरु जी की भावना को समझ करके पहले जो कर ले उसको उत्तम सेवक कहते हैं। इसलिए कहते गुरु जी मैं देखा गुरु जी को सेवा करनी चाहिए, और ये स्त्री शरीर है, जब अब आश्रम में आप कथा सुनाते हो सब ब्राह्मण लोग बैठे हुए होते हैं, आपकी सब ब्रह्मचारी, अभी मैं तो अंदर में छोटे जाति की हूँ, अंदर में प्रवेश कर ही नहीं सकती हूँ, इसलिए मैंने सोचा गुरु जी को कैसे थोड़ा सेवा कर दे, इसलिए ये थोड़ी बहुत सेवा मैं कर लेती हूँ। गुरु जी तो खुश हो गए, क्योंकि वो गुरु है ना, कहते ना जात पात कुछ ना कोई, हरि का भजा सो हरि का होई, भगवान की भक्ति में जात पात का कोई विचार नहीं, मूल जो है श्रद्धा, ये किसको अंदर में, ये श्रद्धा ही, ये भक्ति के ऊपर में आधार ये श्रद्धा है, हैं। इतने में देखा कि जो सबरी है यही सचमुच से कथा सुनने की अधिकारी है, क्योंकि भक्ति करने के लिए महाप्रभु कहते हैं चार गुण तुम्हारे अंदर में आने चाहिए, कितना गुण है, क्या क्या, बोले त्रिनादपि सुनि चेन तरोरपि सही सुनुना अमानीनांग मान देना कीर्तनी असदा हरि। महाप्रभु कहते हैं पहला गुण है त्रीन, मतलब घास से भी ज्यादा दीन ही नहीं बनो, जैसे आप घास को प्यार रख कर चले जाओ, घास कुछ बोलता है वो सर को नीचा कर देता है, लेकिन जब फिर प्यार उठा ना फिर सर को ऊपर उठा कर देता है, बोले नहीं उसी से भी ज्यादा दीन ही नहीं बनो। और दूसरा नंबर है बोले वृक्ष से भी ज्यादा सहनशील हो, जैसे पेड़ में आम है, उठाया पत्थर मारे पेड़ में, मारा तो पेड़ को, लेकिन पेड़ ने क्या किया, तुमको फल दे दिया, उसने फल दे दिया है, जैसे पेड़ है अभी हम वहां पर लकड़ी को जला रहे ना, आग सेक रहे हैं, लेकिन देखो कैसे परोपकार करता है, आग देती है, उस पेड़ को काट करके हम दरवाजा बनाते हैं, हैं दरवाजा भी बनती है, उसको पत्ते को लेकर के जलाते हैं, हैं उसको काटने पर भी कुछ बोलता नहीं, भूख लगने पर भी कुछ किसको मांगती नहीं, प्यास लगने पर भी, कितने उसके अंदर में सहन शक्ति है। इसलिए कहते भक्ति करने के लिए सहन शक्ति की बहुत जरूरत है, अगर बात बात में बिगड़ जाए, बात बात में क्रोध आ जाए, फिर भजन होगा, घर गृहस्थ भी तुम्हारी नहीं चलेगी, कुछ भी नहीं चल सकती है। इसलिए कहते जो सहे सो रहे, जो नाश है और नाश है, इसलिए हर समय ये सहन शक्ति की, भक्ति करने के लिए सहन शक्ति की बहुत जरूरत है, बात बात पर क्रोध नहीं आनी चाहिए, बात बात पर बिगड़ने पर क्या होगा, खुद दुखी दूसरों को भी दुखी करोगे हैं। बोले अमानी नाम, क्या करो, खुद मान की इच्छा मत करो, लेकिन सबको यथा योग्य सम्मान दो, क्योंकि जीवेर सम्मान दिवे जानी कृष्ण अधिष्ठान, सभी के हृदय में ठाकुर जी बैठे हैं, इसलिए कहते ना किसकी भलाई नहीं कर सकते हो, कभी किसकी बुराई भी मत करो हैं, किसकी बुराई ऐसे कोई किसको बोली मत बोलो जो हमारी बोली से कोई दुखी हो, कभी किसको ऐसे बोली नहीं बोलनी चाहिए। इसलिए कहते अगर किसको अंदर में ये चार गुण आ गया ना, बस फिर तो आप खूब भजन कर सकते हो, खूब भगवान की भजन कर सकते हो। इसलिए देखा इसकी अंदर में ये सब वृत्ति इसकी अंदर में विद्यमान है, और फिर कृष्ण गीता में कहते हैं तद्विधि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ते ते ज्ञानम ज्ञानी न तत्वदर्शिना। कृष्ण गीता में कहते हैं करने के लिए तीन चीज की जरूरत है, मतलब क्या है, पहले गुरु जी को पास में जाकर के पहले प्रणाम करो, उसको मत जाकर पहले
तद्विधि प्रणिपात न परी प्रश्न न, उसको बाद में फिर प्रश्न करनी चाहिए, फिर उसको बाद में गुरु जी की सेवा करनी चाहिए हैं। कहते ये जो अगर ये तीन गुण होना फिर तो वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति की हम अधिकारी बन सकते हैं। इसलिए उन्होंने देखा इसकी अंदर में ये सारे गुण हैं। बोले देख बेटी एक काम करियो, जब मैं कथा करता हूं ना तुम आकर के आश्रम में सबसे पीछे बैठ करके कथा सुनो। बोले गुरु जी आपका आश्रम में बड़े बड़े ऋषि मुनि ब्राह्मण रहते, मैं कैसे प्रवेश करूंगी। बोले बेटी कोई चिंता मत करो, पीछे बैठ कर कथा सुन लो है। क्योंकि गुरु जी ने देखा इसकी अंदर में भक्ति भावना इनकी अंदर में है, मैन है हृदय में प्रभु का प्रति भावना भक्ति रहनी चाहिए है। इतने में जब उसने अंदर में प्रवेश किया वहां पर जो ऋषि मुनि ब्राह्मण लोग तो बिगड़ गए। बोले तेरे को किसी ने इतना हिम्मत दिया, तुमने पता नहीं यहाँ पर बड़े बड़े ऋषि ब्राह्मण लोग रह रहे हैं, तुम हमारी आश्रम में प्रवेश करके हमारे आश्रम को तुमने अपवित्र कर दी, गोबर गोमूत्र ला करके छिड़काव करवा, तेरे को किसने आदेश दी। मातंग ऋषि ने बोले मैंने ही आदेश दी। बोले गुरु जी अगर ये अंदर में प्रवेश करते हुए कथा सुनेगी हम कोई भी आश्रम में नहीं रहेंगे, सब आश्रम छोड़ करके चले जाएंगे, लगता है आपका बुद्धि भी बिगड़ गया है। तब मातंग ऋषि ने कहा देखो अगर तुम लोग सबके सब अगर आश्रम छोड़ करके चले जाओगे ना इसी को ही मैं कथा सुनाऊंगा, इसी को ही मैंने कथा सुनाऊंगा। सबके सब आश्रम छोड़कर भाग गए, लेकिन उन्होंने केवल उन्हें सबरी को उन्होंने कथा सुनाया मातंग ऋषि ने। और जाने से पहले बोले देख बेटी मैं जा रहा हूं, एक दिन स्वयं परम ब्रह्म परात्पर तत्व राम अकेले नहीं अपना छोटे भाई को पास में आएंगे, सबसे पहले तेरे पास में आएंगे। ये बोल कर गुरुजी चले गए। जब चले गए लेकिन गुरुजी बोले एक दिन ठाकुर आएंगे, इसलिए कहते गुरु मुख पद्म वाक्य चितेत करिया ऐक आर ना करी मने आस। जब गुरुदेव ने ये बात बताए एक दिन ठाकुर जी आएंगे, उन्होंने गुरु जी को वाक्य को उन्होंने पकड़ लिए। आप लोग टीवी में देखे होंगे उसी समय में जो सबरी एकदम जवान थी, लेकिन जब भगवान आए ना एकदम बूढ़ी हो गई थी। कितने हजार साल तक उसने इंतजार की, रोज रोज फूल चयन करके लाती थी और रास्ता में बिछाती थी, झाड़ू देती थी। क्यों? गुरु जी बोल कर गए ठाकुर जी आएंगे, ठाकुर एक दिन जरूर आएंगे है। इसलिए गुरुदेव हमें जो हरिनाम देते हैं, जो मंत्र देते हैं, इसको विश्वास पूर्वक हमें जप करनी चाहिए, ठीक है ना। विश्वास पूर्वक जप करनी चाहिए, एक दिन जरूर हमें ठाकुर मिलेंगे ही। लेकिन कितने हजार साल बीत गया, लेकिन रोज रोज क्या करती हैं, फूल ला करके बिछवाती हैं, झाड़ू लगाती हैं, रोज रोज जंगल से चुन चुन करके बेर को लाती हैं, ठाकुर जी को भोजन कराने के लिए बेर को लाती हैं और रखती हैं। ठाकुर एक दिन जरूर हमें दर्शन देंगे, आएंगे। शिक्षा क्या देते हैं? शिक्षा देते हैं हमें भजन करने के लिए भी हमारी अंदर में ना ये दृढ़ता भावना रहनी चाहिए। ऐसे नहीं कुछ दिन माला किया, बोले अभी तक तो भगवान मिले ही नहीं, माला काली हो गई, लेकिन अभी तक तो ठाकुर दर्शन दिए ही नहीं हैं, पता नहीं और कितना दिन जाएगा। नहीं है, गुरु जी को किसी ने बोले 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 गुरु जी मेरे को 20 साल हो गया मंदिर में आए, भगवान का नाम जप कर रहा है, अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं। गुरु जी बोले तू तो 20 साल, में तो 50 साल से कर रहा हूँ, अभी तक मेरा ही कुछ नहीं हुआ। बोले गुरुदेव शिक्षा दे रहे थे हैं। तब गुरुदेव ने एक कथा सुनाई, बोले देखो एक समय अर्जुन और कृष्ण जा रहे थे, जाते समय इतने में कृष्ण बोले अर्जुन बड़े प्यास लग रहा है, देखो तो आसपास में कहीं पानी होगा। वो पानी ढूंढते ढूंढते पास में यमुना बह रही थी और वहां पर देखो एक बड़ी सुंदरी लड़की है, बड़ी प्यारी सुंदरी लड़की तपस्या कर रही है। अर्जुन बोले आप कौन हो, अकेले यहाँ तपस्या कर रहे हो? बोले मैं कालिंदी हूँ। बोले यहाँ तपस्या क्यों कर रहे हो? बोले ठाकुर कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए। बोले कब से प्रतिज्ञा कर तुम प्रतीक्षा कर रहे हो? बोले कितने ब्रह्मा चले गए, बोले करोड़ युग बीत गया, मैं तपस्या कर रहे हूँ प्रभु को पाने के लिए। गुरु जी कहते थे कालिंदी को कृष्ण को पाने के लिए इतने करोड़ साल गया और तुम 2 दिन आकर के 20-25 साल आग्रह करते हो, मेरे कुछ हुआ ही नहीं।
जब हम भगवान की भजन करते हैं ना, ये मत समझो कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है। कृष्ण गीता में कहते हैं, सल्पमपस्य धर्मस्य त्रायते महत भया। भगवान के लिए कोई थोड़ी सी करे ना, कितना ठाकुर जी तरफ में एक कदम बढ़ो वो 10 कदम बढ़ते हैं, हैं ठाकुर जी 10 कदम बढ़ते हैं। जैसे हरिनाम कर रहे हैं ना, ये मत समझो कुछ हो नहीं रहा है, हो रहा है अंदर अंदर में, हो रहा है सब के सब है अंदर अंदर में हो रहा है। और एक दिन ठाकुर साक्षात प्रकट हो जाएंगे, जैसे सबरी को प्रभु ने आकर के दर्शन दिया है। और एक दिन सचमुच से स्वयं राम लक्ष्मण दोनों आए और आकर के सबरी जब कितना दिन से प्रतीक्षा कर रही थी, जब प्रभु जी को देखा प्रेम से गदगद हो गई, अपना आंखों का आंसुओं से उन्होंने उनकी चरण धोए, चरण धो करके ठाकुर जी को बैठाए, बैठा करके उन्होंने झूठा बेर खिला रहे थे। पहले चख रही थी ये खट्टा ना मीठा है, और जो मीठा को खिला रही थी और खट्टे को फेंक रही थी, इसलिए बोले ना, सबसे ओचे प्रेम सगाई, सबसे ओचे प्रेम सगाई, झूठे बे रे सबरी के खाए, बहुविध स्वाद बताई, सबसे ओचे प्रेम सगाई। इसलिए सबरी तेरी झूठे बेर में जो स्वाद आया ना, मेरे को बैकुंठ में भी इतने स्वाद नहीं आता है। लक्ष्मिया जब मेरी सेवा करते हैं, हाँ बड़ी स्वाद आया है। और ठाकुर जी सबरी को उन्होंने बोले बर मांगो, उन्होंने बोले प्रभु हमें भक्ति दो, आपके चरण में सेवा दो। फिर उन्होंने नव विद्या भक्ति की शिक्षा दी, प्रथम भक्ति संतन करी सेवा, दूसरे भक्ति तत्कथा प्रसंगा। उन्होंने नव विद्या भक्ति प्रदान की उनको, हैं नव विद्या भक्ति प्रदान की और उनका आशीर्वाद दी। आशीर्वाद दे करके पहले सबरी को दर्शन दी, लेकिन उसको बाद में कहाँ गए, जिन लोगों ने गुरु जी को ऊपर नाराज होकर के आश्रम में छोड़कर चले गए थे ना, बाद में उनको पास में गए। जब ठाकुर गए उनको पास में, बोले क्या चाहिए बोलो, कि जब गुरु जी हमारे ऊपर में असंतुष्ट हो जाए, नाराज हो जाए, बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है, वो बुद्धि भी सही नहीं रहती है, हैं? क्योंकि गुरु जी की कृपा से तो भक्ति मिलती है ना। गुरु जी को छोड़ कर चले गए तो बोले तुमको क्या चाहिए। वहां पर एक सरोवर थी, बहुत गंदा, कीचड़ कीड़े पड़े रहते थे। बोले ठाकुर जी ये जो सरोवर का जो पानी बड़ा गंदा रहता है और इसमें कीड़े पड़ जाते हैं, इसको व्यवहार नहीं कर पाते, इसलिए आप कृपा करो ये पानी थोड़ी सी शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, हैं? लेकिन प्रभु से भक्ति नहीं मांगे, प्रभु को प्रेम नहीं मांगे ठाकुर जी से। बोले एक काम करो, जो जो सबरी है ना उसकी चरण धोकर के चरणामृत ले आ और ये पानी में छोड़ दो, अपने आप पानी खत्म हो, साफ हो जाएगी। बोले क्या, हमने उसकी वजह से गुरु जी को त्याग दी, और ठाकुर जी क्या कहते हैं, वो सबरी की चरण धोकर के पानी ले आओ और उसकी चरणामृत को इसमें डालो और ये पानी पवित्र हो जाएगा और उसमें हम रोज स्नान करेंगे, लेकिन ठाकुर का आदेश है। फिर सबरी को पास में जाना पड़ा। सबरी बोली मेरी चरणामृत लेने का जरूरत नहीं, मैं खुद चली जाती हूँ। वो आ करके जब अपना चरणों को पानी में स्पर्श की, अपने आप पानी पवित्र हो गया है। इसलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, वैष्णव चरण जला प्रेम भक्ति दीते बला, आर के नहीं बाला बंत। तथा अगर भक्ति पाना चाहते हो, तीन जो चीज है वो जल्दी से जल्दी भक्ति देने वाले हैं। बोले तीन चीज क्या है, बोले एक संतों का चरणामृत, दूसरी संतों का चरण धूली, और जो तीसरी है संतों की अधरामृत प्रसाद व कथामृत। ये तीन चीज जितने प्रभु की प्रेम देने वाले, और इतना जल्दी कोई भी प्रेम देने वाले नहीं। इसलिए उन्होंने सबरी को भक्ति प्रदान की। इसलिए यहाँ पर शिक्षा देते हैं, देखो सबरी जी को अंदर में कितने धीरज हैं। इसलिए भक्ति करने के लिए 6 गुण की चाहिए। क्या है, पहला नंबर है उत्साह, पहले नंबर उत्साह रहनी चाहिए। जैसे संसार के काम में हमारा बड़ी उत्साह है, भक्ति के लिए भी हमारे इंद्र में उत्साह रहनी चाहिए।
जैसे सबरी के अंदर में उत्साह थे, निश्चयात गुरु जी जब बोल कर गए ठाकुर एक दिन जरूर आएंगे, बोले धैर्यात धीरज धारण करो, हाँ धीरज धारण करो, तत्त कर्म प्रवर्तनात, जो काम करने से भक्ति बढ़ेगी वही काम करो, जो काम करने से भक्ति नहीं बढ़ेगी वो काम हमें नहीं करनी चाहिए। संगत त्यागात, असत संग को दूर में रहो, जो बुराई निंदा चुगली करते हैं ऐसे व्यक्ति से दूर रहो, ऐसे व्यक्ति को पास में बैठो जहां बैठने पर हरी चर्चा हो, गुरु जी की संतों की कथा भगवान की कथा हो। और सत्वृत्ति, जो संतों का, जो पहले पहले संतों ने वैष्णव लोग जो भजन करके भगवान को प्राप्त किए उनके चरित्र को श्रवण करो, सुनने से हमारे हृदय में भावना आएगी, हृदय में हमारी भावना, हृदय में भक्ति आएगी। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। ओ कहाँ गया मधुकंठ, कहाँ गया हरे कृष्ण, तुम थोड़ा बोल दो। श्रीमद्भागवत में श्री अम्बरीश महाराज जी की कथा आती है। जब भगवान सृष्टि करते हैं तो भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी की सृष्टि होती है। उन ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो अपने मन से उन्होंने मरीचि, उनके मानस पुत्र मरीचि को उत्पन्न किया, और मरीचि जी से फिर कश्यप जी उत्पन्न हुए, और कश्यप जी से फिर विवस्वान को सूर्य देव कहते हैं, और उनसे हुए शारद देव जिनके 10 पुत्र थे। 10 पुत्र में से एक अन्यतम उनके पुत्र थे नभग। नभग के भी अनेक पुत्र थे, उनमें से नभग के पुत्र थे एक नाभाग। वो तपस्या करने के लिए गए, उन्होंने जो है ब्रह्मचर्य का पालन किया, और ब्रह्मचर्य का पालन करके जब वापस लौटे तो उनके जो बड़े पुत्र थे सब, उन्होंने सारी संपत्ति का बंटवारा कर लिया। उनको ये पता लगा तो अपने पिता के पास गए और उनसे पूछा, मेरे सब बड़े भाइयों ने बंटवारा कर लिया है और आप मेरे हिस्से में आपको दिया है, मैं क्या करूं, आपका क्या उपदेश है मेरे लिए? तो उनके पिता, बात मत मानो, मैं काम करो, यहाँ पर पास में ही वो तुम्हें दे करके चले जाएंगे, तुम उसको ले लेना। वो वहाँ गए, वहाँ जाकर उन्होंने जो त्रुटियाँ कर रहे थे वो यज्ञ में उनको बता दिया। उसके बाद यज्ञ समाप्त होने के बाद काला था एकदम, वो आकर के कहते हैं उनसे कि यज्ञ का जो भी शेष भाग होता है वो मेरा हिस्सा है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है, जो है वो मुझे दे करके गए हैं तो उस पर तो मेरा अधिकार है, आपका कैसे हुआ? बोले ये बात जाकर के अपने पिताजी से पूछो, वो आपको बताएंगे। वो अपने पिताजी से पूछने गए तो बोले कि जिस समय दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे तो उस समय रुद्रदेव भगवान, उसके बाद उनके पुत्र हुए नाभाग के अम्बरीश महाराज। वो अम्बरीश महाराज जी बड़े ही धनवान और पृथ्वी के 7 दीप और अचल संपत्ति उनके उसमें लीन रहते थे। परीक्षित महाराज जी सुखदेव जी से प्रश्न कर रहे हैं कि जो ब्रह्म साप है, ब्रह्म साप, वो किसी से काटा नहीं जा सकता। अम्बरीश महाराज जी ने ऐसे क्या किया जिससे कि वो सांप को भी रोक दिया? प्रश्न कर रहे परीक्षित महाराज जी, ब्राह्मण ने उनको, उसका कारण क्या था? वो भगवान का और भगवान की आराधना करते थे, उनकी सेवा करते थे। तो भागवत में श्लोक है, सवै मन कृष्ण पदारविंदो भजांसी वैकुंठ गुणानुवरण, वहां जाना दर्शन करना ये सब वो करते थे।
भगवान की ऐसी सेवा से वो हर समय आनंदित रहते थे। और भगवान भी, जो भगवान की थोड़ी बहुत भी सेवा करता है ना, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते थे। करते थे वो, इतना बड़ा राज्य होने पर भी, बहुत बड़ा राज्य, अपार संपत्ति होने पर भी भगवान की सेवा करते थे। भगवान ने उनकी रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। अगर कोई भी उन पर की, तो उसमें गऊ के सींग जो हैं सोने से मढ़े हुए, और उनके खुर, गायों के खुर चांदी से मढ़े हुए, और उनको अच्छे से सजा करके गैयाओं को, उनको धोने के लिए सब कुछ साथ में जो है ब्राह्मणों को दान देना पड़ता था। तो उन्होंने ऐसे उन ब्राह्मणों को ध्यान दिया। एक समय की बात है, अम्बरीश महाराज और उनकी पत्नी दोनों एकादशी का व्रत पालन कर रहे थे। तो एकादशी के बाद द्वादशी आती है। द्वादशी में क्या होता है, पारण करना होता है। अगर उसको यथा समय पारण नहीं किया जाए तो व्रत का फल नहीं मिलता है। व्रत पालन करते समय जो द्वादशी का दिन आया, पारण का समय, फिर उसी समय दुर्वासा जी का आगमन हुआ। दुर्वासा जी के जब आगमन हुआ, उन्होंने उनको प्रणाम किया, उनका स्वागत किया और उनको भोजन के लिए आमंत्रित किया कि आप भोजन के लिए आइए। भी दुर्वासा जी बोले कि मैं जो है अभी अपने सब कार्यक्रम से निवृत्त होकर के यमुना जी में स्नान करके उसके बाद में आता हूँ। तो दुर्वासा जी स्नान करने के लिए चले गए यमुना जी में। और उधर द्वादशी का दिन था, पारण करना है, तो पारण का कुछ ही समय रह गया था। तो उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मैं, मेरा पारण भी हो जाए और मुझे कोई अपराध लगे। बोले अगर मैं जल ले लूं तो उसमें तो कोई हानि नहीं है, उससे मेरा अपराध भी नहीं होगा और पारण भी हो जाएगा। वो बोले कि देखो, अगर द्वादशी का कुछ भी मतलब समय, अगर समय पर नहीं किया जाए पारण, फल नहीं मिलता है, क्योंकि इन्होंने मुझे भोजन के लिए आमंत्रित किया और मेरे से पहले ही इन्होंने भोजन कर लिया, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। अगर आप किसी को आमंत्रित करो और वो आमंत्रित करने से पहले ही आप भोजन कर लो तो क्या होता है, अपराध होता, ऐसा नहीं होना चाहिए। दुर्वासा जी ने जटा से एक कृत्य प्रकट किया, वो कृत्य जो है उसमें से आग निकल रही थी। अब वो जो है अम्बरीश महाराज जी को जलाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, अम्बरीश महाराज जी वहीं खड़े हुए हैं। उन्हें कोई प्रकार, किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भगवान का सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा कर रहा है, इसलिए उन्हें कोई चिंता नहीं है। वो वहीं पर खड़े, वो टस से मस भी नहीं हुए। जो कृत्या उनको जलाने के लिए गई थी, सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या को जलाने, उसको भगा दिया, क्योंकि सुदर्शन चक्र उनकी रक्षा कर रहे हैं। सुदर्शन चक्र उनके पीछे पीछे जी के पास गए, ब्रह्मा जी से जाकर के बोले कि मैंने अम्बरीश महाराज के लिए, उन्होंने ऐसे ऐसे मेरे चरणों में अपराध किया, मैंने उनके लिए, उन्हें मारने के लिए कृत्या प्रकट की, भगवान ने तो उनकी सेवा सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा है, आप मेरी रक्षा कीजिए, सुदर्शन चक्र मेरे पीछे पड़ा हुआ है। बोले तुमने जो है ना भक्त के चरणों में अपराध किया है, भगवान के भक्त के चरणों में, जो हर समय कथा में सेवा में लग्न रहते हैं, तुमने ऐसे भक्त के चरणों में अपराध कर दिया, इससे मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। बोले मैं क्या करूं फिर, आप कोई उपाय बताइए। बोले शिव जी के पास जाइए आप। वहां से शिव जी के पास चले गए सुदर्शन, वहां से फिर विष्णु जी के पास गए। जब विष्णु जी के पास पहुंचे, विष्णु जी ने कहा तुमने मेरे भक्त के चरणों में अपराध किया है। भगवान कह रहे कि आम भक्त पराधीनो ये स्वतंत्र इव द्विजा, सा कुछ नहीं जानता। दूसरे, फिर दूसरे श्लोक में भगवान कह रहे हैं दुर्वासा जी से, साधो हृदय
मदर नित्य न जानती नाम टेपी मुनागत में। अम्बरीश महाराज कौन है? साधु है। साधु कैसे? जो भगवान का भजन करता है वो साधु है। कोई भी चाहे वो गृहस्थ हो, त्यागी हो, शूद्र हो, अंतज हो, कोई भी हो, वो साधु है। जो सिर से थोड़ी निकलेगा, पैर से ही निकलेगा। इसलिए तुम वापस अम्बरीश महाराज जी के पास जाओ और वो तुम्हें क्षमा कर देंगे, क्योंकि अपराध तुमने उनके चरणों में किया है, मेरे चरणों में नहीं किया। भगवान ने उनको उपाय बताया। फिर दुर्वासा जी वापस आए, वापस आए आकर के उन्होंने अम्बरीश महाराज जी के चरणों में गिर गए कि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप भगवान की आपका सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। इस प्रकार उन्होंने जो है क्षमा कर दिया उनको, और उसके बाद उनको भोजन कराया, भोजन करा कर उनको विदा कर दिया। तो यहाँ पर जो है ये शिक्षा मिलती है हमें कि भक्त, एक तो भगवान भक्त, और यहाँ पर एकादशी की महिमा बताई। भक्त ऐसे, भक्तों की ऐसी महिमा है, भगवान जिनके वशीभूत हो जाते हैं, भक्त वात्सल्य। जैसे कृष्ण लीला में यशोदा मैया, उनके लिए क्या करती हैं वो, सुबह सुबह मक्खन निकालती हैं, उनके लिए दूध बनाती हैं, और ये सब करते हुए क्या करती हैं, गोविंद दामोदर माधवेती, गोविंद दामोदर माधवेती। भगवान की गुणों का कीर्तन करते हुए वो सब सेवा करती हैं। वही अम्बरीश महाराज जी भी कर रहे थे। जैसे कृष्ण यशोदा मैया के वशीभूत हैं, वो तो उनका अलग भाव है, लेकिन अम्बरीश महाराज जी शुद्ध भक्त हैं, इस प्रकार वो भी उनके वशीभूत हैं। और भगवान की महिमा, भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ कर सकते हैं। अगर उनके भक्त पर कोई संकट आए वो सब कुछ कर सकते हैं, जैसे कि सुदर्शन चक्र को उनकी सेवा में नियुक्त कर रखा था। और भक्त भगवान की, भक्त से जो क्या होता है, भगवान की महिमा बढ़ जाती है। भक्त अगर कोई भी सेवा करते हैं तो उससे भगवान की महिमा बढ़ जाती है। और यहाँ पर एकादशी के व्रत के बारे में बताया, अम्बरीश महाराज सब कुछ करते हुए क्या कर रहे थे, एकादशी का व्रत कर रहे थे। तो एकादशी का व्रत जो है बहुत ही पालनीय है, कोई भी व्रत कर लो उससे हमें अधिक से अधिक भोग की वस्तुएं मिल सकती हैं, जो क्या है, एक निश्चित समय तक। लेकिन एकादशी से हमें क्या मिल सकता है, भगवान की भक्ति मिल सकती है। साक्षात एकादशी भक्ति जननी है, एकादशी से भगवान की भक्ति हमें मिल जाती है। अगर हम एकादशी को यथारूप पालन करें उससे भगवान की हमें भक्ति मिल जाती है। ऐसे ऐसी भगवान भागवत में बहुत सारे चरित्र हैं, उनसे भक्त की महिमा, भगवान की महिमा, एकादशी की महिमा, अन्य अन्य और भी बहुत सारे कुछ हैं। इस प्रकार अम्बरीश महाराज जी का चरित्र है। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वांछा कल्पत दिवेश कृपा सिंधु चकता नाम पावन वैष्णव। अम्बरीश महाराज की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। एकादशी तिथि की जय।